सीताफल एक पूरे भारत में उगने वाला फल है, जैसे कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु आदि। पके हुए सीताफल एक दो दिन बाद खराब होने लगते हैं, इसीलिए भारी मात्रा में नुकसान हो जाता है। इस नुकसान से बचने के लिए सीताफल का प्रोसेस करना एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। सीताफल में विटामिन सी, थायामीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और डायट्री फाइबर भारी मात्रा में होते हैं। सीताफल एक औषधीय और औद्योगिक उत्पादन का क्षेत्र है। इस फल में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होने के कारण यह डायबिटीज पेशेंट भी खा सकते हैं। यह मुख्य द्वार पर मिठाई फल के रूप में खाया जाता है तथा इसका उपयोग जूसेस, जेलीज, आइसक्रीम और जैम बनाने में भी किया जाता है। इन सब गुण के कारण आज मिरी यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आए है कस्टर्ड एप्पल पल्प बिजनेस पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री। रॉ मटेरियल्स के द्वार पर आपको केवल पके हुए सीताफल की जरूरत होती है, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट और कुछ केमिकल्स की भी जरूरत होती है। मशीनरी, इस बिजनेस में लगने वाली मशीनरी कस्टर्ड एप्पल पल्प एक्सट्रैक्शन मशीन, डीप फ्रीजर, फिलिंग एंड पैकेजिंग मशीन, यह है। प्रोसेस की शुरुआत स्कूपिंग से होती है। यहाँ मैनुअली सीताफल के छिलके निकाले जाते हैं और उसे समय पल्प अलग कर लिया जाता है। इसके बाद मशीन द्वारा पल्प और बीज अलग कर लिया जाता है। इसके बाद कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड किए जाते हैं ताकि पल्प लंबे समय तक टिके। इसके बाद निकाले हुए पल्प को पैक करके डीप फ्रीजिंग किया जाता है, जहां इसका तापमान -30 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रक्रिया की वजह से पल्प सख्त बन जाता है। इस प्रोसेस के द्वारा बचे हुए बेकार छिलके को डीकम्पोज किया जाता है, जहां इसका इस्तेमाल बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग में किया जाता है। साथ ही वेस्ट बीज को भी पुनः वापर किया जाता है। इस तरह सीताफल के प्रोसेसिंग में कोई भी भाग बेकार नहीं जाता। इस बिजनेस को शुरू करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एक बिजनेस के अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। ऐसे ही नई बिजनेस आइडिया के लिए आप हमारे YouTube चैनल मिरी उद्योग विश्व को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।